चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं प्लम्बर के बारे। प्लम्बर कैसे कैसे पाइपलाइन वायरिंग किया जाता है, प्लम्बर में वायरिंग के बारे हम बताना चाहते हैं आपको। चलिए आज हम बताते हैं, ज़रूर से ज़रूर पूरी वीडियो देखें हमारे, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, दिखाते हैं। ये हो गया पोलो ट्रैप। इसमें देखिए, सबसे अच्छा बात है कि इसमें कोई डाउन स्लिप नहीं बनाया गया है। ये हो गया पोलो ट्रैप आपका। पोलो ट्रैप से गया हुआ है एक बैंड दे करके, सू बैंड दे करके इधर से पुश करके एकदम सीधा ले गया। कभी भी याद रखिए, ये पाइप जो दे रहे हैं आप, तीन इंची का पाइप बाथरूम लाइन में कहीं ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए। बीच में किसी का काट करके और ज्वाइंट क्या रहता है, वो ज्वाइंट रहेगा तो कभी भी आज 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो खुल जाने के वजह से पूरा बाथरूम सीपेज होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए ये पाइप बहुत अच्छा डाला है, बहुत घूटा पाइप डाल दिया है पूरा। और ये देखिए, होल मार करके ये अंदर निकाल दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए, ये आपका यहाँ पर बैंड लगा करके कोमोड लगाने का सिस्टम है। ये कोमोड लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। ये इधर होल मार करके ये 4 इंची पाइप को जाम कर दिया गया है। इसके ऊपर कोमोड लगेगा। कोमोड लगने के बाद 1 फीट दूरी में रहेगा कोमोड। कोमोड जो रहेगा यहाँ से जो कोमोड रहेगा 1 फीट दूरी में रहेगा। और दोस्तों, इस बाथरूम में भी वायरिंग अच्छा हुआ है। देखिए ये वायरिंग है, ये आपका कोमोड वाला लाइन, सिस्टर्न का लाइन हो गया ये। इसमें भी आपको ब्रास एल्बो दिया हुआ है, बहुत बढ़िया वायरिंग है। CPVC वायरिंग बहुत अच्छा होता है। देखिए ब्रास दिया हुआ है, ब्रास एल्बो लगा हुआ है। और भी हम दिखाते हैं वीडियो आपको। देखिए यहाँ से होल मार करके एक पॉइंट बाहर छोड़ दिया गया है, वो लाइन को मिलाएगा। जब पानी मिलेगा तो इसमें इसी जरिए से पानी आएगा इधर ही से। ये देखिए यहाँ से दिया हुआ है, एक एल्बो मार करके इधर मुड़ा दिया गया है। यहाँ पर ही बीम को ग्रुप कर करके यहाँ पर बनाया गया है एल्बो डाल करके। बहुत बढ़िया वायरिंग किया गया है। देखिए यहाँ पर ही से, यहाँ से आप देख सकते हैं, टी मार करके गीजर का लाइन उठा दिया गया है। तो देखिए गीजर का लाइन, ये ठंडा लाइन हो गया, ये गर्म लाइन हो गया गीजर का। ये ठंडा लाइन, ये गर्म लाइन। देखिए गीजर का लाइन यहाँ पे एल्बो दे करके इधर उतार दिया गया है। ये मिक्सर सेट हो गया आपका, सब ब्रास वाला है और CPVC पाइप है पूरा। देखिए शावर के लिए उठा दिया गया है लाइन। शावर का आप देख सकते हैं पाइप कितना अच्छा है। देखिए शावर का लाइन है ये, और ये मिक्सर सेट का पूरा पॉइंट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया लगाया गया है। देखिए इधर भी पाइप बहुत अच्छा, टीप पुश भी बहुत अच्छा हुआ, सॉलमेंट बहुत बढ़िया पकड़ा है इस जगह में। पाइप भी बहुत अच्छा है। इस पाइप में क्या क्वालिटी है हम आपको बता देते हैं। ये पाइप गर्म लाइन में भी और ठंडा लाइन में भी कुछ नहीं होने वाला। पानी कितनों भी हीट रहे गर्म, ये पाइप को कुछ नहीं कर सकेगा। ये पाइप ये क्वालिटी का है, CPVC पाइप है। ये हीट में भी, हीट पाइप में अगर डाल दीजिएगा तो ये कुछ नहीं होगा ये पाइप। इसीलिए रिक्वेस्ट है, कभी भी घर बनाइए, अच्छा घर बनाइए तो CPVC पाइप ही यूज़ कीजिए। CPVC पाइप यूज़ करने से घर में लीकेज का प्रॉब्लम बहुत कम आएगा, बहुत कम। GI पाइप बहुत सा जगह में डाल दिया जाता है, GI पाइप नहीं डालना चाहिए। GI पाइप लीकेज हो जाएगा, ज़्यादा दिन रहेगा, 10 साल 11 साल के बाद पाइप सड़ने लगेगा और लीकेज हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। अभी CPVC पाइप सबसे अच्छा पाइप है। देख लिए वायरिंग, ये आइए और हम बाहर का दिखा देते हैं आपको थोड़ा। देखिए ये बाहर का, ये बेसिन लाइन है, ये इसको बोलते ड्रेन लाइन। ड्रेन लाइन जो किया है, ड्रेन लाइन 2 इंची का लाइन, 2 इंची का पाइप का है, PVC पाइप का। ये देखिए एक एल्बो डाल करके यहाँ से उधर ले जा करके मिला दिया गया है। ये आपका पोलो ट्रैप में मिल गया है जा करके लाइन, जो पोलो ट्रैप हम दिखाए थे ना अंदर में, उसमें मिल गया है जा करके ये लाइन। और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया गया है, यहाँ पर ही आप अपना बेसिन लगा सकते हैं। इस जगह में बेसिन लगता है, इतना हाइट में बेसिन लगता है। किचन है ये, देखिए ये देख सकते हैं किचन है। किचन में देखिए एक पॉइंट दिया है, मगर इसमें ठंडा और गर्म लाइन का सुविधा नहीं बनाया गया, खाली एक पॉइंट दे दिया गया है और दे करके पानी का बस। ये हो गया आपका सिंक का लाइन, देख सकते हैं सिंक यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर सिंक लगेगा। और ये हो गया पानी का पॉइंट लाइन, ये ब्रास एल्बो में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ब्रास एल्बो लगा हुआ है, बाहर से लाइन आया है।
देखिए ये ब्रास एल्बो दिया हुआ है, ब्रास एल्बो कभी जंग नहीं लगता है और अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर हमारा चैनल को देखें, और दोबारा नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो के लिए, दूसरी वीडियो हम बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं दोस्त, उसको भी देखें आप।